सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो फ़ोन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, वीवो फ़ोन में आईफोन 11 का थिम्स कैसे अप्लाई करेंगे उसी के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। तो मैं फाइनली अप्लाई करके आप लोग को दिखाऊँगा वीवो के किसी भी फ़ोन में आईफोन 11 का थिम्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बता सकूँ। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहां से जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, हर एक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को कैसे अप्लाई करना, उसके लिए आप लोग को एक ऐप्स को डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा आईफोन 11 लॉन्चर, ओएस 13 लॉन्चर, कंट्रोल सेंटर। तो इसमें कंट्रोल सेंटर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो फाइनली मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया हूँ। तो चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर, आप लोग को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा जो कि ऐप्स यहाँ पे डाउनलोड है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसको कुछ देर तक वेट कर लेना है। एक मिनट तक वेट करने के बाद, कुछ इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो वेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेस्ट पे आप लोग को क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसे कि कुछ अलाउ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पे अलाउ कर देना है, परमिशन दे देना है। इसको दो बार इस पर क्लिक करना है। दो बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके कर देना है। तो मैं ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद दोस्तों, आप लोग को जैसे कि कुछ अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐप्स को टिक लगा के यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो मैं अलाउ कर देता हूँ। तो इसमें अलाउ करने के बाद फिर अपने बैग जाना है। तो चलते हैं बैग। यहाँ पे फिर से यहाँ पे फुल स्क्रीन अगर आप रखना चाहते हो तो फुल पे कर सकते हो, या तो इसी तरह से आप लोग सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फुल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे फुल पे टिक लगा देते हैं। फिर यहाँ पे गेस्ट पे आपको ओके कर देना है, और आपका जो कि आईफोन 11 का थिम्स आपके वीवो के फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो मेरे पास वीवो का B15 है, तो मैं आप लोग को करके दिखा रहा हूँ इसमें। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है सेम एकदम आईफोन 11 की तरह लग रहा फ़ोन, और लुक भी बेटर लग रहा आईफोन की तरह। आप लोग भी जाके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं, और यहाँ होम स्क्रीन पर भी आप लोग जाके सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप बीच से आप कट करते हैं तो वहाँ से हट जाता है, तो उसको यहाँ से सेट कर लेंगे तो फाइनली यहाँ से सेट हो जाएगा, तो आपके फ़ोन में नहीं हटे। तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो कि आईफोन का 11 का जैसे कि लग रहा फ़ोन, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा थीम्स जो कि मैंने सेट किया हूँ अपने वीवो के B15 में। देखने में बेटर भी लग रहा और अच्छा भी लग रहा है। इसके कंट्रोल सेंटर भी आप लोग को दिखाऊंगा, इसमें कंट्रोल सेंटर कैसा लगता है। इसका कंट्रोल सेंटर सेम आईफोन 11 की तरह आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर, आप लोग को दिखाते हैं इसमें कैसा कंट्रोल सेंटर है। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग को लॉक स्क्रीन इसका दिख जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसमें कंट्रोल सेंटर कैसा इसका दिखेगा, आप लोग को सब कुछ मैं इसमें दिखाऊँगा इसके कंट्रोल सेंटर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग को कंट्रोल सेंटर सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों कंट्रोल सेंटर, आप लोग को दिखाते हैं इसमें कैसा आईफोन 11 की तरह यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये रहा कंट्रोल सेंटर, आप लोग को दिख रहा सेम आईफोन 11 की तरह कंट्रोल सेंटर इसका देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप अपना वॉल्यूम और यहाँ से अपना जैसे कि लाइट भी तेज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को अलाउ का ऑप्शन करना होगा, यहाँ पर आप लोग को परमिशन देना होगा, फिर उसके बाद आप कंट्रोल सेंटर को यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं बैग, अब फिर से आप लोगों को कंट्रोल सेंटर में चल के दिखाते हैं। तो अब यहाँ से अपना वॉल्यूम भी कम बेसिक कर सकते हैं, यहाँ से अपना लाइट भी आप कम और तेज कर सकते हैं, और यहाँ से अपना नेट वगैरह सब कुछ ऑन कर सकते हैं, टॉर्च भी जला सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। इसमें आप लोग खुद अपने फ़ोन में अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं कैसे काम करता है ये। तो मैं अपने फ़ोन में वीवो के B15 में अप्लाई किया हूँ, तो देखने में एकदम सेम आईफोन 11 लग रहा है। इसका लुक भी देखने में बेटर है दोस्तों। आप लोग जाके फटाफट डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड करिए। फाइनली अच्छा भी देखने को लग रहा है यहाँ पे कंट्रोल सेंटर जो कि आप लोग को दिख रहा, बेटर लग रहा आईफोन 11 की तरह, और बेटर भी देखने में लग रहा है। यहाँ से आप लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं, किसी को भी दिखा भी सकते हैं कि देखिए मेरे फ़ोन में आईफोन 11 का लॉन्चर, सॉरी दोस्तों आईफोन 11 का थीम्स है।
तो दोस्तों इसको अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं आसानी से जाके, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना और सेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेरे फ़ोन में बेटर देखने में लग रहा है आप लोग को आईफोन 11 का जो कि थीम्स है, तो मैं अपने फ़ोन में सेट करके रख लिया हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, देखने में बेटर लग रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो।